ऑलराइट व्यूअर्स, तो कहते हैं कि एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड एंड एज ऑफ नाउ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के तीन मशहूर खान्स यानी फिरोज खान, आयजा खान और सारा खान के अपकमिंग ड्रामे कौन से होंगे इसकी अनाउंसमेंट अब तक नहीं हुई और इन पर कुछ दिलचस्प बातें हैं जो मैं वीडियो में आप लोगों को आगे बताऊँगा। तो नाज़रीन, इन तीनों के अपकमिंग ड्रामे अभी तक अनाउंस नहीं हुए और इसी को देखते हुए इंस्टाग्राम पर इनके फैंस लगातार डिमांड कर रहे हैं कि इस ट्रियो को एक साथ लाया जाए या डिमांड ये है कि फिरोज खान को सारा खान या आयजा खान के साथ किसी ड्रामे में कास्ट करें। ये डिमांड हद से ज्यादा बढ़ रहा है और व्यूअर्स आप लोगों को बता दूं कि खुदा और मोहब्बत सीजन 4 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है जिसमें ज्यादातर चांसेस फिरोज खान के ही हैं जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को बताया था। तो नाज़रीन, फिरोज खान के सबसे ज्यादा चांसेस खुदा और मोहब्बत सीजन 4 में होने के हैं तो उसमें डेफिनेटली लीडिंग कास्ट और के साथ एक्ट्रेस भी बड़ी बड़ी होंगी। तो नाज़रीन, हम उम्मीद कर सकते हैं सीन ऑन है। तो व्यूअर्स, ओवरऑल इस ट्रियो को एक साथ किसी ड्रामे में देखना तो मुश्किल होगा क्योंकि डेफिनेटली बजट इश्यूज हो सकता है, लेकिन फिरोज खान को सारा खान या आयजा खान इन दोनों में से एक के साथ तो हम डेफिनेटली किसी ड्रामे में इमेजिन कर सकते हैं। और जहां अभी खुदा मुबारक सीजन 4 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो हुआ है लेकिन इसके कास्ट में कौन होंगे इसकी अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन फिरोज खान की सबसे ज्यादा डिमांड खुदा मुबारक सीजन 4 में है और इसको डेफिनेटली सेवन स्काई एंटरटेनमेंट वाले देख रहे होंगे। और व्यूअर्स, जहां चूंकि आजकल सेवन स्काई एंटरटेनमेंट और जियो वाले ऑडियंस की च्वाइसिस को काफी प्रीफर कर रहे हैं जिसकी वजह से ही अब्दुल्ला कदवानी ने तेरे बिन सीजन 1 के बाद तेरे बिन सीजन 2 की हद से ज्यादा डिमांड को देखते हुए तेरे बिन सीजन 2 का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद दीवानगी सीजन 2 की भी काफी ज्यादा डिमांड थी, उसको देखते हुए उन्होंने दानिश तैमूर और हिबा बुखारी को एक और ड्रामे में कास्ट किया है जिसका इनिशियली रिपोर्ट आ रहा था कि दीवानगी सीजन 2 ही नाम होने वाला है, लेकिन एन अनाउंसमेंट के बाद पता चला कि ड्रामे का नाम उन्होंने जान निसार कर दिया है। तो खैर, दानिश तैमूर और हिबा बुखारी को भी उन्होंने फैंस की डिमांड को ही देखते हुए एक साथ दोबारा लाए हैं। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि सेवन स्काई एंटरटेनमेंट और जियो एंटरटेनमेंट वाले ऑडियंस की चॉइसिस को काफी प्रीफर करते हैं, वो लोग इन सबको काफी करीब से देखते रहते हैं। तो नाज़रीन, अभी जो फिलहाल सोशल मीडिया पर मोस्टली इंस्टाग्राम पर फिरोज खान, आयजा खान और सारा खान के साथ बिलाल अब्बास खान को भी देखने की डिमांड हद से ज्यादा बढ़ रही है, तो सेवन स्काई वाले इसको जरूर देख रहे होंगे। तो पॉसिबिलिटीज हैं, चांसेस हैं कि फिरोज खान के साथ सारा खान या आयजा खान को हम खुदा और मोहब्बत सीजन 4 में देख सकते हैं। मैं इसे कंफर्म नहीं कर रहा लेकिन ये मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। नाज़रीन, ओवरऑल अभी तक पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के इन तीन मशहूर खान, फिरोज खान, सारा खान और आयजा खान के अपकमिंग ड्रामे कौन से होंगे इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो नाज़रीन, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में कुछ भी पॉसिबल है, कोई भी कास्ट हम देख सकते हैं, तो हम उम्मीद तो इतना रख सकते हैं। तो नाज़रीन, ओवरऑल आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।